हे गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार खेलने जा रहे हैं GTA 5। और इस बार भी गाइस आज हमारे साथ है फ्रैंकलिन। तो यार आप सभी लोगों को पता है यार, फ्रैंकलिन ने जो है पिछले वीडियो में खुद के लिए एक कार बाय की थी जो यार इंडिया से इंपोर्ट करवाई हुई स्कॉर्पियो क्लासिक S11 है। तो गाइस अभी हम लोग चलते एयरपोर्ट की तरफ। यार अभी यहाँ पर हम लोग जो है कैब बुक करवा लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है एयरपोर्ट, तो कैब से कैसे फटाक से पहुँच जाएंगे। तो गाइस एयरपोर्ट जाने का रीज़न यही है कि यार हमारी जो मर्सिडीज़ एस क्लास है हमने वहाँ पर ही खड़ी करवाई थी, तो अभी हम लोग उसको ही लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक काम माइकल से करवा लेंगे, बट यार माइकल अपने कामों में बिजी है, तो यार हम ही चले जाते हैं। तो गाइस हमारी जो कैब है वो एक दो मिनट में आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो एक दो मिनट में नहीं, तो गाइस हमारी जो कैब है वो आ चुके हैं, तो हमारी कैब यही है। तो अभी फटाफट बैठते हैं इस कैब में और चलते हैं यार एयरपोर्ट की तरफ। बट गाइस एयरपोर्ट पहुंचते अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यार हमारे 10K सब्सक्राइबर होने वाले जल्दी, देखते हैं न्यू ईयर तक कंप्लीट हो जाते हैं कि नहीं। आपका सपोर्ट होगा तो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तक जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार गाइस कैब वालों ने हमें यहाँ तक ही छोड़ा है क्योंकि बल्कि एयरपोर्ट उस साइड है, तो वैसे कैब वहाँ तक जाती नहीं है, तो हमें अभी उस तो जुगाड़ करके जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी सीन ऐसा हो चुका है कि यार फ्रैंकलिन के पास बहुत सारी गाड़ियाँ अभी हो चुके, तो यार उसको रखने के लिए जगह नहीं है। अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि यार फ्रैंकलिन के पास इतनी सारी गाड़ियां हो चुकी है कि वो घर के बाहर रखनी पड़ती है, मतलब गैरेज के बाहर रखनी पड़ती है। सिर्फ दो ही गाड़ियां गैरेज में बैठती है और भाई बहुत ज्यादा रिस्की है। उसका जो घर है भाई वो इतनी सुनसान जगह पे है कि कोई भी गाड़ी कभी भी चोरी हो सकती है। अगर माइकल कहीं बाहर गया या फिर कभी सोया होगा तो यार कभी भी चोरी हो सकती है। तो अभी हम लोग जाते हैं यार एयरपोर्ट की तरफ। वैसे हमने ये गाड़ी चोरी की है और मुझे ऐसा क्यों फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फीलिंग आ रही है इस गाड़ी को देख के। तो अभी हम लोग चला दे इस गाड़ी को फटाफट और चलते अंदर की तरफ हमारी जहाँ पे मर्सिडीज़ एस क्लास है, और यहाँ इस गाड़ी को वहीं पे खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो गाइज अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने डिसाइड किया है, फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया है कि एक भाई खुद के लिए गैरेज नहीं तो एक घर खरीद लेते हैं। वैसे हमने माइकल से बात कर ली है इस बारे में क्योंकि यार माइकल को बहुत ज़्यादा घरों के बारे में मालूम है, कहाँ कहाँ घर सेल हो रहे हैं। तो गाइज माइकल ने हमने सारी डिटेल्स उससे ली है, तो उसके ही घर के बाजू में दो घर अभी सेल के लिए अवेलेबल है, तो अभी हमको वही घर देखने के लिए जाने वाले अभी। तो गाइस ये जो कार है वो हम लोग यहाँ पर ही खड़ी करवा देते। वैसे यहाँ पर हमारी जो मर्सिडीज एस क्लास है वो सेफ थी, बट ज़्यादा दिन भी नहीं रख सकते थे क्योंकि हम लोग आज ही लेने के लिए आए हैं और वैसे भी हमें घर देखने के लिए जाना है, तो यार अमीर तो लगना है। वैसे फ्रैंकलिन के पास अंधा पैसा है तो टेंशन की बात नहीं है वैसे। तो गाइस हमारी जो मर्सिडीज एस क्लास है भाई उसको चलाने में तो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और इस गाड़ी की लुक देखो यार, लुक से ही भाई मजा आता है यार। फ्रैंकलिन तो आज आराम से चला, तो आज कैसे भी गाड़ी चला रहा है आराम से चला। इस गाड़ी को यार स्क्रैच वैच नहीं आना मांगता है। वैसे यहाँ पर खाली रोड है तो भगाने के लिए कोई टेंशन नहीं है। वैसे 160 तो आराम से पार करवा लेती है गाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग चलते बाहर की तरफ और अभी यहाँ पर हम लोग लोकेशन लगा देते हैं गाड़ी का। तो गाइस यहाँ पर जो हम लोग पहले लोकेशन लगा देते हैं कि कहाँ पर है घर एग्जैक्टली, तो माइकल के घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, मतलब माइकल के घर के सामने ही अगर देखा जाए तो आई थिंक इधर गए, हाँ इधर है शायद से, हाँ देखो यहाँ पर है। तो गाइस हमने जो है मार्क लगा दिया है, तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं। वैसे मर्सिडीज जो है चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार, कितनी प्यारी आवाज़ है इस गाड़ी की यार, सच में यार। इसीलिए यार जो फ्रैंकलिन की बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुकी है गाड़ी, और इसका कब नंबर आने वाला क्या पता यार, जल्दी नंबर आए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि VIP नंबर इस बार हमने मंगाया हुआ है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन का घर है राइट साइड की तरफ, पीछे चला गया अभी। तो यहाँ पर जो है सामने की तरफ ही है जो एक घर आया है सेल के लिए। अभी देखते हैं, हमने माइकल से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है वैसे इस घर के बारे में, तो घर अच्छा है माइकल ने बोला है, बट देख अगर तुझे पसंद आता है कि नहीं। तो यार गाइस सामने वाला ही घर है शायद से, हाँ यही घर गाइस सेल के लिए अवेलेबल है। ओ भाई वैसे घर अच्छा लग रहा है देखने में, बट यार इस गैरेज दो है, मतलब यहाँ पर जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी करवा सकते हैं, तो अभी हम लोग यहीं पे पार्क करवा देते। तो यार पीछे की साइड भी हम लोग शायद से गाड़ियाँ पार्क करवा देते। वैसे घर देखा जाए तो बंगलो टाइप है, वैसे रो हाउस टाइप है, तो अच्छा लग रहा है यार घर। पार्किंग भी अच्छी खासी है इस घर की, तो यार यहाँ पर देख सकते हो आप लोग पार्किंग भी अच्छी खासी है, और बाहर की तरफ भी हम लोग एक दो गाड़ियाँ लगवा सकते हैं। वैसे बाय द वे हम लोग वहाँ पर भी दो गाड़ियाँ रखने वाले हैं और दो तीन गाड़ियाँ ही यहाँ पर रखने वाले हैं, बट इन फ्यूचर अगर फ्रैंकलिन ले लेता है एक दो गाड़ियाँ और, तो भाई रखने के लिए जगह तो चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है इस घर में, और यहाँ पर साफ सफाई चाहिए शायद से मालिक के घर का, क्या पता।
बट यहाँ पर जो है साफ सफाई चालू है अभी घर की, और इस साइड जो है पीछे की साइड है तो गार्डन वगैरह भी अच्छा है इस यहाँ पे, और यहाँ पर मिनी स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है वैसे। तो अभी हम लोग चलते हैं, पूरा राउंड मार चुके हैं इस घर का। तो पीछे की जगह भी इतनी साइड नहीं, सिर्फ स्विमिंग पूल है और छोटा सा एक गार्डन है यहाँ पर। और अभी चलते यहाँ से अंदर की तरफ। ओ भाई यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिस टाइप बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पर क्या है, ओ भाई यहाँ पर जो है बाथरूम है। तो यार बाथरूम भी बहुत अच्छा खासा बड़ा है। और आप लोग अब देख सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यार गाइज यहाँ पर जो है चिल करने के लिए, मतलब एक समझ सकते हो मिनी थिएटर करके है। तो यहाँ पर हम लोग कभी पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, अगर कोई दोस्त लोग आए साथ में तो हम लोग यहाँ पर पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, मिनी थिएटर बोल सकते हैं इसको। और ये जो है भाई बाहर की तरफ ही ओपन हो जाता है डोर। यार एक गलत मुझे डोर लगा, क्योंकि यार इधर अंदर से ही डोर चाहिए था, सिर्फ बाहर के लिए गाय के लिए निकाला, क्या पता है इन लोगों ने डोर। तो यार यहाँ पर जो है, ओ भाई यहाँ पर भी जगह है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस घर में अगर देखा जाए तो। इन लोगों ने स्पेस बहुत रखा है घर में। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ इतना कुछ नहीं था, बाथरूम था सिर्फ और एक मिनी थिएटर अगर बोला जाए तो उसको। तो यहाँ पर जो एक रूम है और बस ऊपर की तरफ इस फ्लोर पे, मतलब यार इन लोगों ने अलग अलग फ्लोर रखे हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस घर का भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये घर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं यहाँ से क्या है। आई थिंक शायद से यहाँ पर बालकनी भी अवेलेबल है, और इस डोर को हम लोग ओपन करें। हाँ यहाँ से शायद बालकनी है पूरा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पूरा व्यू आता है। बट यार मुझे इतना खासा अच्छा नहीं लगा घर है, क्योंकि यार इसका रेंट भी ज़्यादा होगा अगर लॉस एंटोस में है तो। माइकल ने वैसे मुझे बोला इस घर की प्राइस ज़्यादा है, बट देख अगर तुझे पसंद आता है तो ठीक है, हम लोग बात करके कुछ ना कुछ कम करवा लेते। तो गाइस मुझे ये घर इतना अच्छा नहीं लगा, तो फटाफट हम लोग बैठते और चलते यार दूसरे घर की तरफ, क्योंकि यार इसकी जो स्पेस है मुझे इतनी अच्छी खासी नहीं लगी वैसे अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो गाइस यहाँ पर जो है पार्किंग के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं अवेलेबल। तो हम लोग चलते अभी बाहर की तरफ और सेकेंड घर की तरफ चलते हैं। सेकेंड घर भी बहुत नज़दीक है वैसे देखा जाए तो, फ्रैंकलिन के आजू बाजू में ही सेल करने के लिए आया है। तो गाइस पहले घर को तो मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, रिजेक्ट नहीं बोल सकते, देखते हैं अभी तीन घर में से कौन सा अच्छा लगता है हमें। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं दूसरे घर की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हम लोग दूसरे घर का भी मार्क लगा देते, यहाँ पर है शायद, यहाँ पर है शायद। तो गाइस ये भी घर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब आजू बाजू में सेल करने के लिए आया है। तो यार मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन माइकल से ली हुई है, तो माइकल ने मुझे दो घर की तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उसको पूछा उस घर में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, तो माइकल ने बोला कि नहीं भाई दोनों भी घर अच्छे हैं, बस तू देख ले तुझे कौन से पसंद है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं भाई। रुकूंगा यार, मर्सिडीज तुझे दिखाई नहीं दे रही क्या ब्रो? तो गाइस ये जो घर है, हम लोग आ चुके हैं इस घर के अंदर की तरफ। तो यार मुझे थोड़ा सा ओल्ड टाइप लग रहा है घर, मतलब ऐसे प्रिंसेस वगैरह रहते थे ना उस टाइप लग रहा है, प्रिंसेस या फिर राजा टाइप लग रहा है ऐसा घर। बट यार अभी चलते यहाँ पर, मुझे लग रहा है गैरेज होगा। या गाइस यहाँ पर जो गैरेज है, बट यार इधर के हम लोगों को मैकेनिक की दुकान नहीं खोलने की, इतनी अंदर गाड़ी पार्क कहाँ पे करूँ मैं? तो यार इस घर में तो यार गैरेज के लिए मुझे पार्किंग लग नहीं रही है। हाँ बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा पार्किंग करवा सकते हैं, बट यार मुझे अंदर की तरफ भी एक दो गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह चाहिए। ऐसा गैरेज मुझे चाहिए कि ऐसा घर मुझे चाहिए कि जिस घर में गैरेज ऐसा हो कि मैं एटलीस्ट एक दो गाड़ियाँ तो पार्क करवा सकता हूँ। चलो यार अभी देखते हैं अंदर की तरफ। वैसे घर को रखा अच्छा है उन लोगों ने, और यहाँ पर जो बेड वगैरह है, बेडरूम बोल सकते हैं इस घर, इस रूम को। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो ये भैया बाहर के, ओ भाई सुट्टा बिट्टा मार रही है तू। ओ भाई यहाँ पर पार्टी चल रही है यार, चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते, अभी हमारा घर नहीं है, नहीं तो इनको हम पेल देते यार। तो यार चलो अभी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अभी चलते हम लोग ऊपर की तरफ। मुझे लगा उस साइड से बाहर की तरफ जाना होगा, तो अभी हम लोग चलते ऊपर की तरफ और देखते यहाँ पर क्या क्या है। ओ भाई यहाँ पर भी बेडरूम है, और यहाँ पर जो है हम लोग ऑफिस की काम कर सकते थोड़ा बहुत, मतलब लैपटॉप्स वगैरह रखे हुए, कंप्यूटर्स वगैरह रखे हुए यहाँ पर जो है स्टडी। भाई कितने सारे बेडरूम दिए हुए हैं उन लोगों ने। वैसे माइकल अकेला है, सॉरी फ्रैंकलिन जो अकेला है, अगर माइकल की फैमिली रहती तो यार माइकल के लिए ये घर अच्छा है। वो दोनों बहनी है, उसके पास उसकी वाइफ है यार, चलो उसके लिए टेंशन है। तो यहाँ पर जो यार स्विमिंग पूल भी है और इनकी पार्टी चल रही है यार।
अभी क्या बोले, मतलब ये घर सच में सेल करने के लिए है कि नहीं यार, माइकल ने मुझे कौन सा घर बता दिया वैसे। तो यहाँ से भी गाइस, और देखो यहाँ पर जो बहुत सारा मतलब यहाँ पर जगह अच्छी है, यहाँ पर हम लोग करवा सकते गाड़ियाँ पार करवा सकते, बट यार उतना मज़ा नहीं आएगा मतलब देखने के लिए। इन लोगों ने बनाया अच्छा है इस घर को, बट यार इस घर को मज़ा नहीं आया मेरे को। मतलब दोनों भी घर यार इतने अच्छे नहीं लगे, मतलब मुझे जैसे चाहिए ना वैसे एक घर नहीं है। तो गाइस अभी मैंने ऑनलाइन एक घर चेक किया था, तो वो मुझे फोटो से तो अच्छा लगा है, बट हमने अभी वहाँ पे जाके देखा नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं यार थर्ड घर की तरफ, वो थर्ड घर हमारे ही साइड है। तो यार मैं माइकल को बाद में बोल दूंगा कि ये दोनों भी घर मुझे पसंद नहीं आया, और इसका जो वैल्यू रहेगा इस घर का तो बहुत, दोनों भी हाई रहेंगे क्योंकि बीच में है। और अगर देखा जाए तो लॉस एंटोस में बीच में, वैसे माइकल आप देख सकते हो माइकल यहाँ पर ही रहता है। वैसे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी माइकल नहीं रहेगा घर पे। और देखते हैं यार अभी हम लोग चलते हैं यार तीसरे घर की तरफ। तो यहाँ पर जो है गाइस हम लोग तीसरे घर का लोकेशन लगा देते हैं, तो यहाँ से भी नज़दीक है, मतलब हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा वो जो तीसरा घर है। अभी देखने के लिए चलते हैं। क्या मर्सिडीज को मुझे लग रहा है उस बंदे ने ना पीछे से ठोक दिया था, तो ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं आए। तो चलो यार अंदर से, आप लोगों ने देखा नहीं ना मर्सिडीज को, मैंने देखा है शायद आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो जाके फटाफट देख लो, आई बटन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। और हाँ स्कॉर्पियो की भी वीडियो नहीं देखी होगी तो जाओ यार देख लो, इतनी ज़्यादा तगड़ी वीडियो बनाई है ना वो कि आपको पता नहीं होगा, कि जाके फटाफट देख लो जिन जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं यार, और आ चुके हम लोग उस घर के नज़दीक, मतलब घर के अंदर ही आ चुके शायद से। ओ भाई ऐसा घर चाहिए गाइस, मैंने बोला था आप लोगों को कि मैंने फोटो में देखा इस घर को। देखो यार पार्किंग के लिए जगह देखो, इस गैरेज देखो यार, मतलब ऐसा होना चाहिए यार गैरेज में एटलीस्ट तीन चार गाड़ियां तो पार्क होनी चाहिए। तो यार पार्किंग अच्छी खासी है यहाँ पर, दो तीन गाड़ियां तो अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और बाहर की तरफ, ओ भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है ये घर तो, और इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई होगी बट उससे ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो उसके कंपैरिजन में तो यार मुझे इसकी प्राइस अच्छी खासी होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं यार इसकी प्राइस हम लोग बाद में पूछ लेंगे। ओ भाई बहुत सेक्सी बनाया है यार ये घर, कितना ज़्यादा बड़ा है, इंटीरियर भी देखो। और यहाँ पर भाई सच में यार क्लास घर बनाया है इन लोगों ने, मैंने दूर से ही देखा, मैंने फ़ोटो में वैसे देखा था ऑनलाइन, वैसे माइकल ने जो वो दोनों घर के फोटोज़ वगैरह कुछ नहीं भेजे थे, तो हम लोगों को इतना हिंट नहीं मिला था, बट इस घर का हिंट मिला था यार मुझे। और भाई इसका स्विमिंग पूल देखो यार, सच में यार बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है वैसे देखा जाए तो घर। और अभी हम लोग यहाँ पर जो है बैडमिंटन वगैरह, कभी टेनिस वगैरह भी खेल सकते हैं। तो यार ये जो घर है मुझे परफेक्ट लगा, बट यार इसकी प्राइस जो है वो देखने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस घर को लेना है कि नहीं, नहीं तो हम लोग दूसरे तीन चार घर भी और देखेंगे। बट अभी नहीं, फिलहाल अभी हमारे पास इतने ही तीन घर अवेलेबल थे, माइकल ने जो है दो ही घर हम लोगों को बताए थे, और मैंने जो है वो एक घर का इसका निकाला था। ओ भाई ये लोग कौन है भाई, भाई घर में घर सेल कर रहे हैं और ये लोग बैठ कैसे रहे, क्या पता यार घर में कौन आता है कौन नहीं, क्या पता यार। छोड़ो यार ये साफ़ सफाई करने वाले होंगे शायद, क्लीनर लोग होंगे। तो यहाँ पर जो है यार अच्छी खासी बालकनी है, और यहाँ से व्यू क्या आ रहा है गाइस सच में। तो यहाँ से भी एक बेडरूम वगैरह है यार, सही है यार ये घर तो मुझे सच में पसंद आया है, और फ्रैंकलिन को भी पसंद आया, बट यार इसकी प्राइस वगैरह देखते हैं बाद में, बट अभी हम लोग सबसे पहले घर देखते हैं। और गाइस ये जो घर है यार सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, आप लोग देख सकते हैं बाथरूम वगैरह सही यार, घर में सही बनाया है, इंटीरियर वगैरह सही बनाया। और मुझे इसके सबसे ज़्यादा पसंद आया है भाई वो जो है पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, क्योंकि यार मैं अगर देख रहा हूँ ना घर, मुझे घर भी अच्छा खासा चाहिए था और पार्किंग के लिए भी भाई जगह अच्छी खासी चाहिए थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा जो मकसद है घर लेने का वो है भाई पार्किंग के लिए ही, गाड़ियाँ रखने के लिए ही, क्योंकि यार मेरे पास ऑलरेडी एक घर है, बट और मैं अकेला बंदा इतना बड़ा घर क्या करूँ, बट यार ये घर सही है, उसमें पार्किंग भी तगड़ी है यार, सच में यार बहुत ज़्यादा तगड़ी है यार। तो गाइस अभी हम लोग तीनों भी घर देख लिए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ये घर, इस घर के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। बट अभी चलते हैं हम लोग घर की तरफ, और वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि यार
बहुत सारे हम लोग घर देखे और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार चलो गुड बाय, टेक केयर।